परिवार यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार सबसे निचले पैदान पर है, जहां किसान परिवार का आय जो है लगभग 3500 रुपए। बगल का अगर झारखंड अगर आप देखें तो वो बिहार से ज्यादा है। क्या ये सच नहीं है कि जो आज पंजाब में हरियाणा में जो मजदूरी कर रहे हैं वो बिहार के किसान? क्या ये सच नहीं है कि बिहार के किसान जो है मजदूर बन गए? आखिर इसका कारण क्या है? आज हम लोग अगर बिहार की बात करें तो किसान जो है मजदूर बन गया, और अगर हम सब लोग अगर इस किसान बिल का विरोध नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो आप समझ जाइए कि बिहार का जो किसान मजदूर बन गया कुछ दिन बाद जो है वो भिखारी बन जाएगा। ये सच्चाई है, ये किसी से छुपा नहीं है। हम लोगों के पास सारे सर्वे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हैं, जहां ये साफ स्पष्ट पे दिखाता है कि बिहार के किसान जो है मजदूर बनते चले गए। देश भर में आय सबसे कम बिहार के किसानों का है, ये सच्चाई। इसलिए हम सब लोग जितने हमारे बिहार के किसान हैं, किसान संगठन हैं, हम लोगों ने पहले भी अपील की थी, अभी भी अपील किया है कि सब लोग जो है इस काले कानून का विरोध करें। एयर इंडिया की स्थिति आपने देखी, रेलवे की स्थिति आपने देखी, बीएसएनएल की देखी, एलआईसी का देखा, हर तरीके से जो है इसका निजीकरण किया जा रहा है। और दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे नेता जो है जो केवल चमचई के बहाने किसानों को गालियां दे रहे, हद्दी बद्दी गालियां दी गई, न्यूज चैनलों पर बैठ करके दिन भर कुछ लोग जो है गालियां देते हैं, किसानों को दलाल बताया जा रहा है, किसानों को दोगला बोला जा रहा है, खालिस्तानी बोला जा रहा है। तो हम लोग सब लोग पूरी देश की जनता और किसान जो है इस चीजों को देखने का काम करें। अब बार बार हम लोग बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में अगर हमारे पास जो डाटा है, अगर आप देखा जाए कि सरकार का जो टारगेट होता है, चाहे धान अधिप्राप्ति को लेकर के या आपका गेहूं की अधिप्राप्ति को लेकर के, तो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाती है। अगर 2018-19-20 देखा जाए तो 3 लाख मेट्रिक टन सरकार का टारगेट था कि आप धान की अधिप्राप्ति करेंगे, हुआ कितना उसका आधा भी नहीं। उसी तरीके से अगर आप गेहूं का देखा जाएगा तो उसमें तो कुछ हो ही नहीं। 2019-20 में फिर से 30 लाख मेट्रिक टन रखा गया और वो लक्ष्य को भी उन लोगों ने प्राप्त नहीं किया। 2018-19 में देखिएगा तो 14.6-16 लाख मेट्रिक टन ही धान की अधिप्राप्ति हुई, 20 लाख मेट्रिक टन ही धान की अधिप्राप्ति हुई। यानी सरकार जो अपना लक्ष्य रख रहा है उस लक्ष्य को भी जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा, जो 30 लाख मेट्रिक टन का है। और कई केंद्र मंत्री आकर के नीतीश जी के घर बख्तियारपुर जाकर के वो किसानों को सलाह देने का काम कर रहे हैं, नीतीश जी के घर जाकर के, जिनको ये नहीं पता है कि कितना गाय का खान होता है, कितना कौन सा फसल होता है। वो सब जो है आज किसानों को लेकर के आज
चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन सभी लोगों को जो लोग चर्चा कर रहे हैं, मेरा साफ सवाल है, खासतौर पर बिहार के किसानों को लेकर के, क्योंकि आय देश भर में सबसे कम की हो। बिहार के कितने एमपी बीजेपी के हैं, सत्ताधारी दल के हैं, जेडीयू के हैं, कितने केंद्र मंत्री हैं या राज्य सरकार है। हम लोग लगातार इसलिए कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से बिहार को बर्बाद कर दिया, किसानों को मजदूर बना दिया। और नीतीश कुमार जी ने सिर्फ किसानों को ही बर्बाद नहीं किया, नौजवानों को बर्बाद किया। व्यवसायियों के साथ क्या हो रहा है बिहार में, यह किसी से छुपा नहीं है। शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है बिहार में, यह किसी से छुपा नहीं है। बेरोजगारी की भी वैसी समस्या है। कोई कारखाना बिहार में, इंडस्ट्री कुछ नहीं लगा। और जो बिहार सबसे ज्यादा निर्भर अगर कृषि में करता है, लगभग 70% बिहार जो डिपेंडेंट है वो कृषि पे है, और वहां अगर आप एपीएमसी को खत्म कर देते हैं, मंडी व्यवस्था को खत्म कर देते हैं, बाजार समिति को खत्म कर देते हैं, तो किसान गरीब होता चला जा रहा है, मजदूर होता चला जा रहा है। अब कुछ दिन बाद ये डबल इंजन की सरकार जो है किसानों को भिखारी बनाने का काम करेगी। ये अन्नदाता है, इनके लिए हम सब लोगों को खड़े होना चाहिए। और हम तो ये मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से भी और केंद्र सरकार से भी, एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको लीगलाइज करना चाहिए। ये हम सब लोग, हमारी पार्टी की तरफ से सभी लोगों की मांग है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है फसलों का, उसको लेकर के लीगलाइज करना होगा। यहां बिहार में आप सब लोग जान रहे हैं कि बिचौलियां हैं, किसान को जो सही मूल्य जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। यही केंद्र सरकार ने एक टारगेट दिया था कि किसानों का जो है आय दोगुना 2022 तक वो करेंगे। क्या एमएसपी खत्म करके जो किसानों को फसल का सही मूल्य ही नहीं मिलेगा, यानी ठीक से आ ही नहीं होगा, तो उसको दोगुना कैसे करें। किसान को चाहे बिहार में भी अगर देख ले तो अभी क्या है, धान की अगर न्यूनतम अगर समर्थन मूल्य अगर तय अगर किया गया है 1800 का, तो कितने पे खरीदारी होगी, 800, 900, 1000। ये बड़ी समस्या है और बिहार के मुख्यमंत्री इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। 18 किसान सड़कों पर आंदोलन करते करते शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी सरकार को थोड़ी सी भी चिंता या एक ट्वीट करने के लिए जो बात बात पे सेलिब्रिटीज को भी बधाइयां देते हैं, किसानों के मौत पर जो शहीद हुए उस पर कोई टिप्पणी, कोई श्रद्धांजलि, कोई वक्तव्य चाहे बिहार के मुख्यमंत्री का या देश के प्रधानमंत्री का हम लोगों ने नहीं देखा। तो यह साफ दिखाता है कि जिस बात को हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि यह डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार जी या बीजेपी के लोग, ये लोग किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, नौजवान विरोधी है, ये बात जो है साबित हो चुका है। इसमें किसी का कहने से कुछ नहीं, लोग तो एक से एक बयान वीर हैं, बयान देते रहते हैं, उनका काम है बयान देना।